खुशी तो बाप होने का ना जरूर होगा देखिए ये एक खुशी खुशी की आंसू है। हम बिहार से दिल्ली उन्नीस सौ निन्यानवे में आए थे उन्नीस सौ निन्यानवे उन्नीस सौ निन्यानवे दिल्ली आए थे और प्रथम बार मेरी यही पोस्टिंग भी पुरानी स्कूल में हुई थी और मैं लगभग यहीं बुरा उस दिन से यहीं मतलब बाबा को लेकर अपना घर बना लिया था पढ़ता था दिन में पढ़ाई बहुत कम किया पूरी लाइफ में वो लेकिन रात को जब तो वो बैठता था नौ दस बजे तब फिर वही सुबह में पाँच छः बजे मतलब पढ़ाई करके उठता था तो मैं उसके साथ बारह एक डेढ़ बजे तक तो प्रत्येक दिन बैठता था पहला लड़का था जो पिछले साल बी पी किया और इस बार टॉप किया तिलक दहेज का तो मेरा शुरू से ही नहीं विचार था मैं खुद भी शादी किया हूँ आज से बहुत दिन हो गया सतासी में मेरी शादी हुई थी उस समय भी मैं दहेज ने दिया था दिल्ली में बिहारी का मतलब मजदूर होता था बिहारी को बुला लो तो उसका मतलब था कि मज़दूर को बुला लो बुला कर लाओ नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ सौरभ राज मेरे साथ बबलू कुमार हैं जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं और बबलू जी के बेटे अमन आनंद इस बार बीपीएससी में पूरे बिहार में फर्स्ट रैंक लाए हैं इनसे बात करेंगे बबलू जी से बबलू जी आपको बधाई आपको तो खुशी हो रही होगी कि बेटे ने पूरे बिहार में परचम लहराया जी धन्यवाद सर आपको और खुशी तो बाप होने का ना तो जरूर होगा देखिए ये एक खुशी खुशी की आंसू है कि एक पिता को गर्व हो रही है कि बेटे ने पूरे बिहार में परचम लहराया पिता को पिता ने मेहनत करके बेटे को कहाँ से कहाँ पहुँचाया खुशी की आंसू है बोलो जी जी खुशी का आंसू है और मेहनत तो बालक का रहा मेन रूप से मेहनत तो अरे बाप माई तो सब लोग मेहनत करते हैं मेन मेहनत तो बालक का था हम लोग बाप माई का फर्ज निभाए हैं <coughs> और बिहार तो से दिल्ली कब बापा आए थे हम बिहार से दिल्ली उन्नीस सौ निन्यानवे में आए थे उन्नीस सौ निन्यानवे जी उन्नीस सौ निन्यानवे में दिल्ली आए थे जी और प्रथम बार मेरी यही पोस्टिंग भी बुरारी स्कूल में हुई थी और मैं लगभग यहीं बुढ़ा रही उस दिन से यहीं मतलब बाबा कोहली में अपना घर बना लिया था और यहीं से बच्चे का सब अपना एजुकेशन सब कराए मतलब इसी इसी इलाके से और बच्चे अपना मेहनत किए सारे अपना काम धाम किए सब दिल्ली आकर के लगा कि फिर से बेटा बिहार जाएगा बिहार में अधिकारी बनेगा मुझे सर शुरू से ही इच्छा है कि जब मैं नौकरी ज्वाइन किया था तब मेरी नौकरी जब दस बरस हो गई थी तब मेरी इच्छा ही थी कि मैं रिटायर होने के बाद मैं अपना स्थान बिहार बनाऊंगा और संजोग ऐसा रहा कि स्थान मेरा जो इच्छा थी वो अपने आप पूरा हो गया मैं तो ये नहीं मतलब मुझे दिमाग में था कि बेटे भी बिहार लौट के जाएंगे लेकिन मेरी इच्छा को लगभग वो पूरा कर दिया अब उसकी बिहार में ज्वाइनिंग हो गई और मेरा भी इच्छा था कि रिटायरमेंट के बाद मुझे दिल्ली में कभी भी उतना आनंद नहीं आया दिल्ली में हम सिर्फ आए थे बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चे को पढ़ाने के लिए आप के लिए। दिल्ली आए थे जी।, जी मेरा मकसद वही था बच्चे सब पढ़ लिख जाएंगे उसके बाद मेरा जो है फिर यहाँ से जैसे मैं बाइक आया था बाइक चला जाऊंगा बबलू जी बिहार के बाढ़ के रहने वाले हैं बाढ़ तो अपने आप में काफी प्रसिद्ध है जी बाढ़ तो पहला तो बाढ़ वहाँ पूरे हिंदुस्तान में पहला स्थान है ऐसा है बाढ़ जहाँ सती जी हुए थे उन्नीस में अच्छा उन्नीस सौ में जो सती प्रथा थी वो तो बंद हो गई थी लेकिन उसके बाद भी वहाँ सती जी हुए थे और वहाँ गंगा जो उत्तरायण गंगा जो हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक दृष्टि से अगर हम जब उनको मानते हैं तो गंगा जो उत्तरायण है वो वाराणसी बार और आपको सुल्तानगंज में इसलिए भी बार है आपको प्रसिद्ध है और प्लस वो क्षेत्र है वो बढ़िया क्षेत्र है मतलब हम हम लोगों का क्षेत्र है वो और लगभग पटना से नज़दीक है राजधानी से बाढ़ नजदीक है देखिए आप खुद एक टीचर हैं जब आप अपने बेटे को पढ़ाते थे तो खुद बैठकर के पढ़ाते थे या निगरानी रखते थे सुबह शाम बेटा कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है क्या पढ़ रहा है नहीं सेकेंडरी तक तो बेटा को मैं खुद डिल किया था और सेकेंडरी के बाद डिल वो अपने वो मतलब वो अपने पढ़ने लगा लेकिन मैं उसके साथ रात को बारह एक बजे तक डेढ़ बजे तक मैं बैठता था बच्चा पढ़ता था हम वहीं बैठे रहते थे अब बैठ करके हाँ, पढ़ाते थे हाँ, हाँ, बजे पढ़ाते तो नहीं थे लेकिन बैठते, बैठते थे, जरूर। थे हाँ डेढ़ बजे दो बजे रात तक हम भी बैठते थे उसका जो रीडिंग होता था वो रात भर पढ़ता था दिन में पढ़ाई बहुत कम किया पूरी लाइफ में वो लेकिन रात को जब वो बैठता था नौ दस बजे तो फिर वही सुबह में पाँच छः बजे मतलब पढ़ाई करके उठता था तो मैं उसके साथ बारह एक डेढ़ बजे तक प्रत्येक दिन बैठता था अब बैठते थे हाँ बेटा क्या पढ़ रहा है कैसे क्या पढ़ रहा है ये तो नहीं देखते थे लेकिन हाँ बेटा मेरा पढ़ रहा है ये विश्वास था शुरू से ही कि नहीं बच्चा गलत कहीं नहीं जाएगा सेकेंडरी तक तो उसको हम अपने डिल किए थे उसके बाद मुझे तो अनुभव हो ही गया था कि बच्चा कहीं गलत में जाएगा नहीं और गलत जा नहीं रहा था और निगरानी में था ही और पूरा निगरानी में बच्चे को किया था मतलब आबू हवा दिल्ली की हवा में बह ना जाए इसके लिए कॉलेज में जब एडमिशन कराए थे तब मुझे होम सिकनेस था बच्चे के साथ जो होता है ना मैं हर सप्ताह जाता था उसके पास अब बिना कह के जाता था कि नहीं बेटा डायरेक्ट आते थे पूछते थे बेटा कहाँ हो तो मैं हॉस्टल हूँ पापा ठीक है तो हॉस्टल में तो बाहर आ जाओ फिर बाहर आता था फिर मुकात करती थी मतलब निगरानी जो बाप का फर्ज होता था वो मैं निभा वो निभाया और कोई किसी प्रकार का मैं उसका मतलब सी बी नहीं करता था लेकिन हाँ बाप का फर्ज निभाते थे माँ बाप दोनों मतलब मम्मी भी जाती थी साथ में मैं भी रहता था साथ में दोनों मिल जाते थे ये अब। परिवार वाले तो काफ़ी खुश हो रहे होंगे पूरे परिवार के हाँ जवार सब हाँ गांव जवार में तो हमसे ज़्यादा खुशी है जितना खुशी हमको आ रहा है उससे ज़्यादा वो लोग खुश हैं क्योंकि मेरा गांव तो बढ़िया गांव है मतलब उसी उसी क्षेत्र में मेरा गांव खूब बढ़िया गांव है मेरा लेकिन संजोग ऐसा रहा कि सब विभाग में बहुत लोग हैं वहाँ अच्छे अच्छे वहदे पर हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं लेकिन बी आज तक कोई कम्प्लीट नहीं किया था पहला लड़का था जो पिछले साल बी किया और इस बार टॉप इसलिए गांव के लोग तो बहुत है, खुश हैं हमसे ज़्यादा खुश हैं गाँव तो, तो परिवार वाले लड़के के शादी के लिए भी बात कर रहे हैं हाँ शादी के लिए तो बातचीत लड़के वाले कर रहे हैं लेकिन अभी हम किसी से चर्चा नहीं किए हैं क्योंकि बच्चे से अभी इस पर इस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है लेकिन मेरी इच्छा है कि बच्चे के हिसाब से अगर कहीं भी कोई परिवार मिलेगा उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करेंगे शादी आप करवाइएगा बेटे अपने मन से। नहीं देखिए अब तो जमाना बदल गया अगर उसकी इच्छा अगर होगी कि नहीं शादी हम अपने ढंग से कर देंगे तो मैं मैं उसमें भी उसको सहयोग करूँगा अगर होगा कि नहीं आप शादी कर दीजिए तो मैं दोनों स्तर से तैयार हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चे के हिसाब से जो उसको अच्छा लगेगा उस हिसाब से उसको मैं आप दिल्ली में रहते जरूर हैं लेकिन हैं तो बिहारी ही आप जी एकदम पूरा बिहारी हैं दिन भले रहते हैं लेकिन कंप्लीट बिहारी ति, हैं तिलक दहेज लीजिएगा कि नहीं तिलक दहेज का तो मेरा शुरू से ही नहीं विचार था मैं खुद भी शादी किया हूं आज से बहुत दिन हो गया कम से सतासी में मेरी शादी हुई थी उस समय भी मैं दहेज नहीं लिया था आज तो आप अपनी शादी में भी आप दहेज जी नहीं मेरी माँ गुजर गई थी उन्नीस में और उसके बाद मेरी शादी हुई तो घर का लगभग ताम हम छोटे थे लेकिन फिर भी हम ही देख रहे थे नहीं मेरी शादी में उनसे कहीं भी कुछ बेटे के शादी में भी दहेज नहीं नहीं, नहीं मेरा हर भर एकदम पूरा प्रयास रहेगा कि शादी में नहीं लूँगा हाँ दोनों परिवार अगर उस, उस लायक मिलेंगे अगर बच्चे के लायक परिवार मिल गया तो मैं उनको सकारात्मक तो व्यवहार उनके साथ बढ़िया करूँगा गांव वाले जब गांव में अब जाते हैं दिल्ली से छुट्टी में जाते ही होंगे पर्व त्यौहार में तो गांव में कुछ बदलाव नज़र आता है कि नहीं आज के समय में आज के समय में और उस समय में मतलब डिफरेंस भार डिफरेंस बदलाव है आज वो मेरा गांव जो है ख़ास करके जो मेरा गांव है वो आज नहीं रहा वो गांव वो दिल्ली जैसा गांव हो गया आज बिहार भी, भी दिल्ली जैसा दिल्ली जैसा गांव है ऐसे भी क्या कहें मतलब अस्सी साठ वर्ष सत्तर वर्ष से मेरा घर में पानी का कनेक्शन है सरकारी कनेक्शन पानी का बिजली का साठ सत्तर वर्ष पहले मेरे जन्म के पहले से वहाँ मेरे घर में पानी का बिजली का गवर्नमेंट कनेक्शन है और मुझे अब तो उस जमाने की बात है अब तो कितना कम बदलाव तो आ गया बिहार भी दिल्ली जैसा बदल गया लगभग अब कोशिश तो हो रहा है बिहार को भी दिल्ली जैसा बदलने की कोशिश हो रही है मतलब एक क्षेत्र में तो लगभग दिल्ली जैसा हो गया है परिवहन में तो दिल्ली जैसा हो गया है वहाँ की रोड उड जो भी है जो बहुत ख़राब था वो आज के डेट में तो बहुत सुंदर हो गया है आगे भी लगभग प्रगति पर है और उम्मीद है बिहार के बच्चे तो सब दिन मतलब बढ़िया रहे हैं इस मामले में और शिक्षा के मामले में एजुकेशन के मामले में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए बिहार के बच्चे आपको एजुकेशन में कहीं भी मिल जाएंगे तो दिल्ली तो दिल्ली है पूरे हिंदुस्तान की आधा वर्ल्ड में भी मिलेगा तब बिहार के आज के डेट में पहले से भी खूब बढ़िया है दिल्ली में बिहारी बोलकर कोई आपको गाली दिया हो अपमान किया हो कभी ऐसा कुछ नहीं बिहारी शब्द दिल्ली के लिए वो सर गाली शब्द है अपमान तो कोई नहीं किया है लेकिन बिहारी का मतलब जिसे बिहारी कोई शब्द नहीं था वो लोग बिहारी नहीं बोलते हैं दिहाड़ी को बिहारी बोल दिए हैं अच्छा दिहारी को बिहारी बोल दिए हैं आज तो अब तो नहीं बोलते हैं क्योंकि अब तो मेरी पॉपुलेशन है अब हम लोग दबंग भी हो गए हैं दबंग हो गए हाँ हाँ इस इलाके में तो किसी का मजा नहीं है कि मतलब दरवाजे से गुजर के कोई गलत मतलब शब्द का प्रयोग कर देगा वैसी तो कोई बात नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत दबंग क्षेत्र में है हाँ त्यागी का क्षेत्र है लेकिन नहीं कोई इसी बात नहीं है कि कोई लेकिन बिहारी शब्द था उसको बिहारी बना दिया बिहारी का मतलब मजदूर समझते थे लोग अच्छा। दिल्ली में बिहारी का मतलब मजदूर होता था बिहारी को बुला लो तो उसका मतलब था कि मजदूर को बुला लो अब बुला कर लाओ आज वो बात नहीं है पहले भी वो बात नहीं थी लेकिन लोग समझते नहीं थे आज तो हर उहदे पर हम लोग हैं हर पोस्ट पर हम लोग हैं नीचे से ऊपर तक अब सब लोगों से जान पहचान परचय सबसे हो गया अब लोग भी जान गए हैं कि नहीं ये लोग बिहार के हैं मतलब कम्प्लीट हैं चलिए शुक्रिया बबलू जी हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद सर थैंक यू